जब गुदा के अंदरूनी और बाहरी हिस्से पर सूजन आ जाती है तो इस स्थिति को पाइल्स यानी बवासीर कहा जाता है। बवासीर की बीमारी में गुदा के अंदरूनी हिस्से की नसें सूज जाती हैं, जिसमें ना केवल तेज दर्द महसूस होता है बल्कि कई बार खून भी निकलने लगता है। कभी कभी मल त्याग के दौरान जोर लगाने से ये नसें बाहर भी आ जाती हैं। खराब खान पान के साथ ही बवासीर की बीमारी के और भी कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में मल त्याग के दौरान ज़्यादा जोर लगाना, लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहना, डायरिया, कब्ज, मोटापा, गर्भावस्था के समय या कम फाइबर वाली डाइट के सेवन और नियमित तौर पर भारी सामान उठाना भी शामिल है। बवासीर की बीमारी में लोगों को उठते बैठते वक्त बहुत तकलीफ होती है। अगर इस बीमारी का समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ऑपरेशन करवाने की नौबत आ जाती है। बवासीर के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग घरेलू नुस्खों की मदद लेते हैं। कुछ लोग पाइल्स के इलाज में हल्दी का इस्तेमाल करने की सलाह भी देते हैं। दोस्तों, औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का इस्तेमाल वैसे तो भारतीय घरों में खाने के रंग और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसी के साथ ही कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में भी फायदेमंद साबित होती है। बवासीर में भी हल्दी को काफ़ी समय से किफ़ायती माना गया है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक हल्दी के जरिए खून को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन, ये जो करक्यूमिन तत्व होता है, इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबायोटिक गुण बवासीर के कारण होने वाली समस्याओं से राहत दिलाते हैं। तो ये जानते हैं आप पाइल्स के दौरान हल्दी का किस प्रकार इस्तेमाल करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए पहले पाइल्स के हल्दी और प्याज, एक प्याज के रस में थोड़ा सा सरसों का तेल और हल्दी मिला लें। फिर इस पेस्ट को आपने प्रभावित हिस्से पर लगाना है। आप चाहें तो इस पेस्ट का सेवन भी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटों में आपका जो ब्लड बह रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। और हर 30 मिनट में 2 से 3 चम्मच हल्दी के इस पेस्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। हल्दी दोस्तों घरेलू नुस्खों में सबसे बेहतर एक उपाय है। दूसरा है हल्दी और नारियल तेल। आप हल्दी का इस्तेमाल नारियल के तेल में मिलाकर भी कर सकते हैं। हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण नारियल के तेल के साथ मिलकर एक शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है। आप रुई की मदद से हल्दी और नारियल के तेल का मिश्रण बवासीर के बाहरी हिस्से पर आप लगा सकते हैं। तीसरा है हल्दी और एलोवेरा जेल। दोस्तों, हल्दी के अलावा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी बवासीर की बीमारी को ठीक कर सकता है। एलोवेरा त्वचा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने की एक बेहद कारगर उपाय है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जलन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप बवासीर की बीमारी में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं तो जेल घर पर ही बनाएं। इसके लिए एलोवेरा के पत्तों को काटकर उसका जेल निकाल लें और फिर आप प्रभावित हिस्से पर इसको लगा दें। दोस्तों, कुछ लोगों को एलोवेरा जेल से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में पहले अपने हाथ पर एलोवेरा जेल को रगड़ कर करीब 24 से 48 घंटे इंतज़ार करें। अगर आपको कोई एलर्जी महसूस नहीं हो रही तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जो आपको बवासीर से छुटकारा दिलाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।